तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्लॉग की शुरुआत हो गई है अर्ली मॉर्निंग से, जैसे होती है वैसे। और ये है बाहर का व्यू, हल्की हल्की धूप जो है लगने वन। तो यहाँ पे जो है मेरा साफ सफाई का काम हो गया है, क्योंकि पप्पा जी घर पे आए हैं, तो सुबह सुबह ही जो है साफ सफाई का काम निपट जाता है। और वैसे भी आज संडे है, तो संडे के दिन बच्चों ने स्कूल वगैरह नहीं जाना था, तो उठते ही जो है सबसे पहले साफ सफाई का ही काम हुआ। तो आज जो है हमारे गणपति पप्पा का विसर्जन भी है, और थोड़ा इमोशनल सा पल हो जाता है विसर्जन के टाइम, तो चलिए क्या करें। और आज जो है ना, मैं आपके साथ अभी जो है एक रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी फुल डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये ना मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। तो उसके लिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे ना कढ़ाई को गरम मैंने कर लिया है, और उसके बाद गैस को कर दिया है बंद। तो यहाँ पे दूध सबसे पहले मैंने डाला है थोड़ा सा, और फिर डाल दिया है मैंने इसमें देसी घी, और फिर डाली है मैंने शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे डाले हैं। और उसके बाद जो है मैंने किया है ऐड मिल्क पाउडर। तो अभी हमें इसको पहले सबसे पहले इसको ना प्रॉपर अच्छी तरह से इसको पेस्ट बना लेना है, अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेना है। तो मिक्स हमें इस तरीके से करना है कि ना इसका डोसा बन जाए, ये देखिए इस तरीके का। बस थोड़ी देर ये लगती है बनने में, और अगर आप चाहें तो इसी तरीके से इसको फैला लीजिए और चांदी का वर्क ऊपर से लगाइए और बर्फ़ी बन के रेडी है। लेकिन मुझे बनाने हैं पप्पा के फेवरेट मोदक। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ मिश्री और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बस जैसे हम लोइयाँ बनाते हैं वैसे लोई बना के जो है मोदक की शेप हमें इसको दे देनी है, क्योंकि ये मैं ऐसे ही बनाऊँगी हाथ से ही, और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बने थे। और मिश्री और बादाम और काजू, ये 3 चीज़ की मैंने यहाँ पे इसमें जो फिलिंग है वो की है, और मोदक बनके यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे जो है मोदक बनके रेडी है, और साथ में मैंने बनाई थी ये डिलीशियस सी सेमियाँ ड्राई फ्रूट्स, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स बना डाल के, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये भी बनती हैं। यहाँ पे जो है पप्पा को भोग मतलब वगैरह हो गया है, अभी हमारे मतलब अपना खाना वगैरह भी हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी। तो अभी जो है शाम के टाइम में आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको कहा विसर्जन है, तो हस्बैंड जाएंगे मार्केट कुछ सामान वगैरह लेके आने के लिए, और मैं करूँगी शाम के जो भी खाने पीने की तैयारियाँ हैं, क्योंकि हमने जो है मतलब बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह को भी इन्वाइट किया है, ज़्यादा नहीं मतलब जो जो यहाँ पे हमें जानते हैं उनको जो है 2-4 को इनवाइट किया है। तो बस उसी की जो है मैं तैयारियाँ करूँगी, और फिर मैं ना आपको मिलूँगी इवनिंग में, क्योंकि अभी मैं जो है मैं उसका कुछ भी ब्लॉग जो है शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो भी मैं बनाऊँगी उसका जो है मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने क्या क्या बनाया था और क्या क्या हमने किया। तो चलिए अभी मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी ही देर में यानी कि इवनिंग में। तो यहाँ पे ना जो खाना वगैरह था वो भोग का बन गया था। यहाँ पे मैंने बनाई थी सबसे पहले पत्ता गोभी, और उसके बाद ये बने थे जीरा राइस, और स्पेशली स्वीट डिश में जो है मैंने बनाया था हिमाचली, जो मतलब केले और ड्राई फ्रूट्स का मीठा बनता है ना हिमाचल में, ये बनाया जाता है, तो वो मैंने बनाया था। वैसे बूंदी का मीठा भी बहुत हमारे बनता है, लेकिन आज मैंने कुछ चेंज किया है तो मैंने ये बनाया है। और शीरा बनता है, तो शीरा भी मैंने स्किप किया है, तो एक बनाई है मैंने यहाँ पर खीर केले का मीठा, और जो है एक दूसरे टाइप के जो है मैंने यहाँ पे मोदक भी बनाए हैं। एक तो सुबह मैंने आपको दिखा दिए थे, एक ये अलग से सूजी और ड्राई फ्रूट्स के हैं, और साथ में है गुलाब जामुन और लड्डू, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रेडी होगी है, और साथ में है काबुली चने। और अभी ना मुझे रह रही है पूरियाँ बनाने को, तो अभी जो है भोग के लिए मैं थोड़ी सी पूरियाँ बनाऊँगी, और फिर जब मैं खाना खिलाऊँगी वो बाद में साथ के साथ ही बना लूँगी। तो यहाँ पे जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने उतना जो है करने की कोशिश की है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई ओकेज़न होता है देवी देवताओं का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छे से जो है सेलिब्रेट करना। बस यहाँ पे सब अपने अपने बिजी हो रखे हैं, यहाँ पे नहा के जो है मैंने सूट भी चेंज कर लिया है, और यहाँ पे सारा खाना बन के अभी भोग की तैयारी मतलब पूरी प्लेट मैंने लगा दी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ विसर्जन के लिए हमने क्या क्या तैयारी की है। तो इस तरह का टब हमने लिया है जिसको हमने अच्छे से सजा दिया है, और ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो है अपने अपने जगह बैठ के गपशप करने में लगे हुए हैं। और अभी हम जो है आरती वगैरह करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, और उसके बाद जो है करेंगे हम विसर्जन।
तो डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का रहा हमारा गणपति विसर्जन। तो आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। और जब हम इस तरह का विसर्जन करते हैं ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस देखती हूँ और देखती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों की पहले इतने दिन पूजा की जाती है, और फिर वो ना जब विसर्जन करते हैं तो हर कहीं वो टूटी पड़ी होती हैं और हर जगह मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखती हैं। तो अलग सी वो देख के ना बहुत अलग सी फीलिंग आती है। और वैसे भी ये बहुत ही इमोशनल पल होता है जब हम गणपति जी को गणपति जी का विसर्जन करते हैं, और फिर बाद में अगर मूर्तियां ऐसे इधर उधर मिले ना, वो बहुत ही अलग वो होता है। तो जितना हो सके ना, हमें इको फ्रेंडली गणपति लाने चाहिए और इस तरह का विसर्जन करना चाहिए। तो मैं आपको ना लास्ट में अगर सुबह तक अगर ये मतलब जो हमने गणपति जी का विसर्जन किया है वो मिट्टी अगर पिघल गई तो पक्का दिखाऊंगी आपको इस ब्लॉग में, तो अगले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। और फिर हम अपने किसी भी गमले में जो है उसको मिट्टी को रख सकते हैं और उसमें जो है प्लांट लगा सकते हैं। तो अभी जो है बच्चे वगैरह सब बैठे हैं बाहर कर रहे हैं वेट, क्योंकि उनको जो है खाना वगैरह मुझे खिलाना है। तो सबसे पहले जो है ना मैं ये सूट चेंज करूंगी, क्योंकि हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट मुझसे जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा लगती है उनमें। और फिर जो है बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी। आई होप आपको जो है मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। और चैनल को जो है बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल भी सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको जो है मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। तो अभी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। ये ब्लॉग पता नहीं आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, कब जाएगा कोई पता नहीं है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ थोड़ा जो है एडिटिंग के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये हमारा काम है, तो काम को जो है अपने आप प्रेफर देना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय। और डियर फ्रेंड्स, ये है सेकंड डे का। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स वगैरह थे मैंने उनको निकाल लिया है, पॉलीथीन में डाल लिया है, ताकि जल प्रवाह मैं उनको कर सकूं। और पूरे यहाँ पे देखिए आप ना, बहुत ही अच्छे से जो है मिट्टी मिट्टी बन गई थी, तो ये मिट्टी में सारी जो है फिर किसी गमले मतलब अपना एक नया गमला लेके उसमें ये मिट्टी डाल दूँगी और कोई प्लांट उसमें लगा दूँगी। ये देखिए पूरा ना मिट्टी मिट्टी हो गई है बहुत ही अच्छे से।